बरसात से किसानों का पीला सोना धान बाहा मंडी की नालियों में खुले में पड़ी धान की फसल भीगने से किसानों के चेहरे मुरझाए। किसानों और आढ़तियों का आरोप, सरकार नहीं करेगी भरपाई। आढ़तियों के बीच में से हटने से किसानों को होगा नुकसान। किसानों का सरकार पर अनदेखी का आरोप, विभागीय अधिकारी अभी धान की खरीद 1 अक्टूबर से होने की कर रहे हैं बात। किसानों का पीला सोना बरसात से हुआ खराब, किसानों की मांग सरकार करे बिल पर पुनर्विचार। देर रात उत्तर भारत में मौसम ने अचानक करवट लेने से जहां एक ओर मौसम तो बहुत सुहावना कर दिया है, वहीं किसानों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। मेरा नाम जगजीत सिंह है जी, बाड़ा में गांव मेरा। अच्छा जी, मैं कल का जीरी लेकर आया हुआ, रात भी कल भी बारिश हुई, आज भी हुई है, आज ज्यादा तकड़ी हुई है। क्यों जीरी में पानी गिरा और नारिया में बह गई जीरी अद्धी अद्धी बची है। हाँ मैं अज्जा तो जी देखो भी कुदरत की मार है, सरकार ने देना चाहिए जी। मेरे साथ मंडी बोर्ड वाले तो कोई नहीं है जी, ना कोई मिले बस ना कोई नहीं। शीश राम त्रिचौड़ी, बहुत बुरा हाल जी है, किसी ने देखा नहीं जीरिया। कल भी बारिश पड़ी था, अज फिर बारिश पड़ी आ, कल की सुक्की जीरिया सारी भिज गई, सारी भिज गई। ना कोई पूरा मौजा दे बीमा होया वा फसलों का, बीमा मिलता। कहते मंडी तक की गारंटी हुआ सरकार की, कोई नहीं पूछता, ना कोई मार्केट कमेटी का आन का देखा हो रहा है। बहुत बुरा, कोई इंतजाम नहीं है भाई। किसानों के हकम किस तरह होगी जी, तो मंडी तक की गारंटी दे, माने बीमा हो फसल का दिया किसी ने हद तक। सरकार से ही मांग का मौजा दे जी, सारी जीरी बह गई मंडी नालियों में गया सारे पानी मांगी, यही मांग कर रहे। अचानक बदले मौसम के मिजाज ने किसानों की मंडी में पड़ी मेहनत पर प्रशासनिक उदासीनता के चलते पानी फेर दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह किसान का पीला सोना खुले आसमान के नीचे पानी में बह रहा है और किसान कुछ न कर पाने से दुखी हैं। किसानों का कहना है कि इस बेमौसमी बरसात ने उनकी मेहनत को जहां मिट्टी में मिला दिया है, वहीं मंडी बोर्ड के बने शेड में सरकारी धान तो पड़ी है लेकिन किसान का पीला सोना पूरी तरह भीग गया है। किसान मजबूरन नुकसान होते देखने पर मजबूर है। किसानों का कहना है कि वे अपने गाँव से धान बेचने के लिए बुआना मंडी में आए थे और अचानक आई बरसात ने खुले में पड़े धानों को भिगोकर किसानों पर मुसीबत ला दी। उनका कहना है कि पहले आढ़ती उनकी फसल खरीदते थे लेकिन अब नए सरकारी फरमान में आढ़ती को फसल नहीं बेच सकते और मंडी बोर्ड भी किसानों को तिरपाल नहीं दे पा रहा। उनका कहना है कि हालांकि फसल का बीमा सरकार करवाती है लेकिन मांग है कि इस भीगी धान की फसल की भरपाई कर। इसके बारे में ऐसा जी हम कहना चाहेंगे, जैसे मान ले जो मतलब गवर्नमेंट कह रही बिचौलिया करता तो हमने बाहर कर दिया। तो हम तो पहला जो मान ले किसान की जीरी की मान ले जिम्मेवारी पूरी हमने कट्टियाँ पहली तो जिम्मेवारी मारी हो जाती, तो ईब माने कट्टियाँ पहली तो किसान की जिम्मेवारी। हम तो उसको कहते हैं भाई तेरा लस्टर लॉस में कटा, तेरा गिल्ले में कटा, तेरा सूखे में कटा, गवर्नमेंट जी की खरीद आई नहीं है, जब तेरा घटा गई बदा गई तो मालक हम तो तेरी भरका लवा देंगे जिस हिसाब से गवर्नमेंट आगा तनू करा जिस हिसाब से चलता रहेगा काम। और पहले जो है था आढ़ती की जिम्मेवारी बन जाती भी, जैसे माल आ गया और आपका कट्टियाँ बढ़ गया, आपका बाधा घाटा अगले का आढ़ती जिम्मेवार था, उसका घाटा बाधा सारा देने के लिए कि बाढ़ती बाहर होगा आढ़ती में क्या लेना, उनकी आएगा लेबर बदले साफ कर दे अगले खाते में पैसे आने सारा काम उनके आना, हमारी तो लेबर भी हो बाद में देकर किस तरह जाएंगे। इसका किसान का नुकसान हो रहा जी, और किसका नहीं तो किसान का ही, किसान तो बेचारा मारा गया कुछ तो पहला इन्हें दे देश लेना कम है जीरो कर दिए कि फिर उसने कर दिया आड़ती बार काट दिया किसान बार काट दिया कि कौन लेगा कोई भी लेने का नहीं जी। सैलर वाला वाह कर दिया उसका जी 17 मोचर थे पहला तो ऊपर तला करका अगले ठहलने के सैलर वाले कि कहाँ ठाम के सैलर ठाने के नहीं औका गवर्नमेंट मानू तो 17% रेक भी ऊपर ठाने जब माड़े से कटगा हम यहीं इसी करके आड़ती निकल पाए का चलता औका भी मानू गवर्नमेंट टाइट कर रही है हम किसान को टाइट करेंगे। ये किसान कहाँ जा, किसान का रूरी देख लो पानी में बार जीरी सारी खराब होगी मंडी बिल्कुल होया जी सेम सारा किसानों को नुकसान होया। इसका किसान भाई उन्होंने मानू टैट करेंगे वो भी किसान टैट होगा सैलर टैट करेंगे जब भी किसान टैट होगा लेना देना जो हिसाब किताब है आठ और काफ़ी तो गवर्नमेंट से लो जो लेना हम कह देंगे है कि ना पहला तो आप समय ले दे लेते सारा कुछ आबादी फसल उस पर कट जाते पैसे डायरेक्टिंग ने ऑफर दिया तुम्हारा तो बिल्कुल बिल्कुल सारा नुकसान। मेरा नाम है एसआर कलसी, असिस्टेंट सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। देखिए ऐसा है कि अभी तक मंडी में परचेज शुरू नहीं हुई है लेकिन लोग ये जो अपने किसान भाई हैं जीरी को सुखाने के लिए लेके जा रहे हैं
तो जैसे ही परचेज स्मूथ रूप से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि लगभग 1 अक्टूबर से स्टार्ट होनी है, उसमें उठान भी शुरू हो जाता है और मंडी जो है खाली होनी शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ आवक है, डेट टू हम नहीं कह रहे उनको आप लेके आइए, वो लोग क्या है इसको सुखाने के लिए लेके आते हैं। इस वजह से मंडी में ना लगभग सारी सड़कों पे जीरी पड़ी हुई है और जितना भी हो सकता है अभी भी हमारे कर्मचारी लगे हुए हैं, नालियों में अगर कहीं पर कोई रुकावट आती है, बाधा आती है, उसको क्लियर कर दिया जाता है। नॉर्मली इसमें क्या होता है ना, इसमें कोई डैमेज नहीं होता है जीरी में, तो जैसे ये हवा